हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं नंबर सिस्टम्स पार्ट 6। पार्ट 5 तक हमने बहुत सारी चीजें कवर अप किए थे। पार्ट 5 में बेसिकली हमने ऑक्टल टू डेसिमल का कन्वर्शन सीखा था, जिसके अंदर हमने इस तरह से जो ऑक्टल नंबर रिप्रेजेंटेड होता है हमने उसको इट्स इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट किया था, और ये मल्टीप्लाई बाय 8 इस मेथड से होता है। और अभी जो है वो हम करने वाले हैं डेसिमल टू ऑक्टल का कन्वर्शन, यानी कि इस तरह से कोई भी डेसिमल का वैल्यू दिया होगा हमें उसको कन्वर्ट करना होगा टू इट्स ऑक्टल इक्विवेलेंट। सो अगर आपने ये कन्वर्शन नहीं सीखा है अब तक तो आप देख सकते हैं, वो वीडियो का लिंक आपको ऊपर यहाँ आई बटन में मिल जाएगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, प्ले लिस्ट पूरी इसकी बनी हुई है। सो कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल, जिसमें हम 175 को कन्वर्ट करने वाले हैं टू इट्स ऑक्टल इक्विवेलेंट। सो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने कॉमेंट्स को फीडबैक जो आपका है वो कॉमेंट सेक्शन के अंदर देना ना भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं, 175 को हमें कन्वर्ट करना है और डेसिमल टू ऑक्टल हमें करना है, तो सेम स्टेप्स हम करते हैं जैसे हम डेसिमल टू बाइनरी का कन्वर्शन करते समय हम करते थे। यानी कि अगर आपको याद आ रहा होगा तो वहां हम डबल डबल मेथोड, इस तरह से कोई मेथोड था जो हम यूज करते थे, जिसके अंदर जो है वो हम कॉन्स्टेंटली यहाँ पर डिवाइड करते थे बाई 2, क्योंकि हम बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते थे। लेकिन यहाँ जस्ट बिकॉज हम ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सेम प्रोसीजर है, सेम मेथड्स है, सेम मेथडोलॉजी सिमिलर है, बस हमें यहाँ पर 2 के जगह पर 8 से डिजिट्स को बार 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 डिवाइड करते रहना होगा। सो देखते हैं वो हम किस तरह से कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं बताए एग्जाम्पल जो कि 175 है। सो 175 फर्स्ट स्टेप है कि हम एज इट इज वो डिजिट को लिखें और फिर हमें 175 को डिवाइड करते रहना है बाय 8। सो हम स्टार्ट करते हैं। सो सबसे फर्स्ट स्टेप पे हम 175 को 8 के साथ डिवाइड करेंगे, तो हमें पता है कि 8 से 16 होता है, 1 बचेगा नीचे, इस 5 को नीचे लेकर आए 15 हुआ, सो 8 वन से 8 होता है, क्योंकि 16 अगर होता है तो हम 2 लिखते हैं, 16 से कम है 15 है, तो 1 से लिखेंगे 8 लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर जो है वो हमें 7 आया। 7 फर्दर हम पॉइंट डालकर हमें करना पड़ता था यूजुअली, लेकिन यहाँ जब भी कोई भी डिजिट लेस देन 8 आ जाता है तो हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। सो इसके बाद में हमें यहाँ पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो इसका क्वोशेंट और दूसरा इसका रिमाइंडर। सो सेम हम यहाँ पर क्वोशेंट और रिमाइंडर को लिखेंगे। आई होप कि आपको पता ही होगा कि हम ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे हमने बाइनरी में किया था, सेम। सो बेसिकली 175 को हमने डिवाइड किया बाय 8 और फिर फाइनली जो अपना आंसर आया है, ये जो 21 है क्वोशेंट, उसको हम यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं 21, जो कि इसका क्वोशेंट है, और इसका जो रिमाइंडर आया है 7, उसको हम यहाँ पर इसके साइड में लिख देंगे जो कि है 7। इसके बाद में सेम स्टेप हमें करना है, ये जो 21 नया डिजिट आया है उसको हम डिवाइड करेंगे बाय 8, फिर उसका क्वोशेंट यहाँ लिखेंगे, रिमाइंडर यहाँ लिखेंगे। जैसे कोई भी डिजिट को जब हम 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो उसका जो वैल्यू है, जो उसका रिमाइंडर है बेसिकली, वो इधर 0 आता है या फिर 1 आता है, और ये 0-1 ही हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट होता है, यानी कि डेसिमल टू बाइनरी के कन्वर्शन के दौरान। और फिर ये जो 0-1 है जो कि इसका रिमाइंडर है बेसिकली, वो हम यहाँ पर लिखते हैं 0-1 0-1 इस तरह के कॉम्बिनेशन में। ऐसे हमें करना है, यहाँ जो है वो बेसिकली हमें रिमाइंडर लिखना है। तो आई होप कि यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि क्वोशेंट हम यहाँ लिखते हैं जो डिजिट्स को हमें डिवाइड करते रहना है, और जो रिमाइंडर है जो यहाँ पर इस तरह से होता है उसको हम यहाँ लिखते हैं, और यही हमारे आंसर का पार्ट होता है। तो आप इसको अच्छे से लिखिएगा, आप कई बार जो है वो स्टूडेंट्स इसको उल्टा कर देते हैं, ऐसे गलती सिली मिस्टेक्स आप ना कीजिए। नेक्स्ट स्टेप है 21 को आप 8 के साथ डिवाइड करेंगे। सो जब भी हम ऐसा करते हैं तो हमें यहाँ पर 2 लेना पड़ता है, क्योंकि 16 है इसका करेक्ट मोस्ट डिजिट है। अगर 24 होता है या फिर उससे अगर बड़ा डिजिट होता है तो हम सोचते हैं दूसरे डिजिट का, यानी कि यहाँ पर तभी 3 आता, लेकिन यहाँ 16 लेना पड़ता है। नॉर्मल डिविजन है जैसे हम करते थे, सब्ट्रैक्ट करने पर जो वैल्यू आया है वो यहाँ पर 5 है। क्या 5 लेस देन 8 है? हाँ, तो हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे, फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे, पॉइंट नहीं डालेंगे। सो जब हम ऐसा करेंगे तो सिंपली यहाँ पर ये जो क्वोशेंट है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, जो कि 21 है इस केस, 2 है इस केस में, सो 2 को हम यहाँ पर लिखेंगे, और फिर ये जो हमारा रिमाइंडर है 5, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे 21 के साइड में, क्योंकि 21 डिवाइडेड बाय 8 जो है वो रिमाइंडर वाइज 5 आया है, क्वेश्चन जो है वो 2 है जो हमें फर्दर डिवाइड करना है। लेकिन यहाँ हम फर्दर 2 को डिवाइड नहीं करेंगे, वो इसलिए है क्योंकि 2 जो है वो लेस देन 8 है, तो कोई भी लास्ट में जब आपको कोई भी ऐसा डिजिट मिल जाए जो 8 से कम है
एट के वैल्यू से लेस देन वाला वैल्यू है, यानी कि 1 से लेकर 7 तक कोई भी अगर डिजिट है तो हमें वहां पर स्टॉप कर देना चाहिए। तो इस केस में भी यहाँ पर अगर 2 होता तो हम डेफिनेटली यहाँ पर 0 ऐड करते और फिर 0 ही बचता। तो 0 0 इस तरह का कोई कैलकुलेशन हमें नहीं करना है, तो इसलिए हम यहाँ पर फाइनली स्टॉप कर देंगे। फाइनल आंसर लिखते समय ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ हो जाता है कि आप फाइनल आंसर कैसे लिखते हैं। सेम हम जैसे बाइनरी में करते थे वैसे हमें लिखना है। एस टू को इंक्लूड करते हुए हमें आगे बढ़ना है और फिर यहाँ से हमें ऊपर की तरफ जाना है। सो हमारा जो फाइनल आंसर है वो होगा 257। ये 2 को लिख दिया आंसर, इसके ऊपर गए 5 और फिर 7। सो इसी तरह से हमें कन्वर्ट करना होता है। आप जो है यहाँ पर फाइनल आंसर लिखना ना भूलिए। फाइनल आंसर हम लिखते हैं कुछ इस तरह से कि जो गिवन डिजिट होता है डेसिमल में, जो कि 175 है, 175 इन डेसिमल इज इक्वल इन टू 257 इन ऑक्टल नंबर सिस्टम। सो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। आई होप कि आपको समझा होगा। प्रीवियस जो हमने ऑक्टल टू डेसिमल का कन्वर्शन सीखा था उसमें हमने होमवर्क भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे। सो उसके कुछ आंसर्स भी हम अभी डिस्कस करेंगे। सो आप क्रॉस वेरीफाई करिएगा जरूर। सो आई होप कि एग्जांपल 1 आपको समझाऊंगा। एग्जांपल 2 लेते हैं। सो एग्जांपल 2 में 2470 इस तरह का डेसिमल वैल्यू हमें गिवन है और हमें उसको कन्वर्ट करना है टू इट्स ऑक्टल इक्विवेलेंट। चलिए देखते हैं हम ये किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको फर्स्ट एग्जांपल समझा है तो आप सेकंड एग्जांपल आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अटेम्प्ट जरूर करना, वीडियो को पॉज करना, अटेम्प्ट करना और फिर आंसर आने के बाद रिज्यूम करना। स्टार्ट करते हैं। 2470 को फर्स्ट स्टेप है 2470 एज इट इज हम लिखेंगे और अभी इसको कॉन्स्टेंटली डिवाइड करते रहेंगे बाई 8। सो देखते हैं इसको हम कैसे 8 के साथ डिवाइड करते रहते हैं और कैसे हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। सो 2470 को बेसिकली हमने जो है वो फर्स्ट 8 के साथ डिवाइड किया, तो परफेक्ट 24 है तो 3 से 24 हो जाता है, बीच यहाँ पर नीचे 0 0 हो जाता है, ये 7 नीचे आ गया, 7 यहाँ है और फिर 8 है तो फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर 8 0 0 0, ये 7 नीचे आ गया और फिर ये 0 भी नीचे आ गया, 70 हो गया। तो 70 को जब हम 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो 8 8 64 होता है और ये परफेक्ट है क्योंकि अगर हम 9 लेते तो वो 70 से बड़ा हो जाता, तो हम 8 लेंगे और फिर फाइनली सब्ट्रैक्ट करने पर 6 आंसर आया। सो अभी ये जो 6 है वो हमारा रिमाइंडर है एज यू नो, और फिर 308 है वो हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं इसके नीचे 308 को हम यहाँ लिखेंगे, इसके रिमाइंडर जो कि 6 आया है इस केस में, तो 6 को हम यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप है ये जो 308 है इसको हम डिवाइड करेंगे बाय 8। पहले हमने 2470 को डिवाइड किया था बाय 8, अभी ये जो ऊपर वाला डिजिट है उसको फिर से हम 8 के साथ डिवाइड करेंगे। सो हम जब ऐसा करते हैं तो हम देख सकते हैं 8 3 24 है, क्योंकि अगर 4 लेते तो उससे ज्यादा वैल्यू हो जाता 30 से। सो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 6 आंसर आ जाता है और फिर इस 8 को हम नीचे लाते हैं तो ये 68 हो जाता है। फिर 8 8 से 64 होता है, क्योंकि अगर 9 करते तो डेफिनेटली ग्रेटर देन 68 आता। सो 64 लेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आया 4। क्या 4 8 से छोटा है, इस 4 लेस देन 8, हाँ, तो हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। तो जब हम स्टॉप करेंगे तो ये हमारा बेसिकली रिमाइंडर हो जाएगा और फिर ये जो 38 है वो हमारा क्वोशंट आ जाएगा। क्वोशंट जो है वो हम यहाँ पर लिखते हैं जो कि 38 है इस केस में, और फिर ये जो रिमाइंडर है 4 उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। सो इतना करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है कि हम जो है वो 38 को हमने डिवाइड करना है बाय 4। सो चलिए करके देखते हैं। 38 को हम डिवाइड करते हैं बाय 8, सॉरी। सो 8 4 32 होता है और फिर सब्ट्रैक्ट करने के बाद 6 आ जाएगा। सो हम यही लिखेंगे जब हम 38 को 8 के साथ डिवाइड करते हैं। सो बेसिकली जो इसका क्वोशंट है 4 वो हम यहाँ पर लिखते हैं 4 और फिर ये जो इसका रिमाइंडर है 6 उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 6। सो फाइनली अभी हम यहाँ पर पहुंचे हैं। अभी हमें क्या 4 को फिर से डिवाइड करना है कुछ इस तरह से, क्या ये सही है? नहीं, इस तरह से हमें नहीं करना है। जब भी 4 ऐसा कोई वैल्यू अगर हमें मिल जाए रिमाइंडर में, सॉरी क्वेश्चन में, जो कि 8 से कम है, तो हमें वहां पर स्टॉप कर देना चाहिए। यानी कि अगर आपका क्वेश्चन का जो वैल्यू है वो 1 या फिर 2 3 4 5 कुछ भी आ जाए, 6 या फिर 7 तक, तो हमें वहां पर स्टॉप कर देना चाहिए, फर्दर डिवाइड हम नहीं करेंगे। सो 4 आया है क्वेश्चन में विच इज लेस देन 8, यस। सो यहाँ पर हम इसको स्टॉप कर देंगे और फिर आंसर किस तरह से लिखेंगे वो इम्पोर्टेंट है कि हम इस 4 को इंक्लूड करते हुए यहाँ पर चलेंगे
और फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे। सो फाइनल आंसर लिखते समय हम ऐसे लिखेंगे, पहले 4 आ जाएगा उसके बाद में ऊपर की तरफ, यानी कि 6 4 6 6 4 6 हम यहाँ पर लिख देंगे। सो यही हमारा फाइनल आंसर है जो कि हमने कन्वर्ट किया है टुवर्ड्स ऑक्टल इक्विवेलेंट। फाइनल आंसर लिखना ना भूलिए क्योंकि इसके लिए भी मार्क्स होते हैं, मैं हमेशा हर वीडियोस में कहती हूँ। आपको लिखना होगा 2470 ऑफ डेसिमल इज इक्विवेलेंट टू 4646 इन टुवर्ड्स ऑक्टल नंबर सिस्टम। सो इस तरह का कन्वर्जन आपको करना है, होप कि आपको समझा होगा। और अगर ऐसा वीडियो को लाइक करना, और यही क्वेश्चन जो है वो हमने ऑक्टल टू डेसिमल के कन्वर्जन के अंदर जो लास्ट हैशटैग करके जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें हमने ये सेकंड एग्जांपल में दिया था। सो ये क्वेश्चन था, आई होप कि तभी अगर आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था वहां पर तो आपको ये सॉल्व करके जो है वो यही आंसर मिला होगा। और अगर ऐसा तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपका फीडबैक, अगर आपको समझा है तो मेंशन जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।